मित्रों, आप देख रहे हैं इस समय हम सभी ये स्थल बोधगया में ही, बोधगया मंदिर से लगभग इसकी दूरी 2.5 से 3 किलोमीटर है। निरंजना नदी के पार इस तट पर ये स्थित है। इसको सुजातागढ़ भी कहा जाता है। और ये जो पीछे आप स्तूप देख रहे हैं, ये सुजाता वही सौभाग्यशाली स्त्री थी जिन्होंने भगवान बुद्ध को खीर का भोग कराया था। और इसकी पुष्टि 8वीं शताब्दी के एक अभिलेख से भी होती है कि देवपाल राजस्य सुजाता गृह उसमें अंकित मिलता है। इस स्तूप का निर्माण जो है 3 चरणों में गुप्त काल से लेकर के पाल युग तक के बीच हुआ है। और ये दुमेधी स्तूप है और इसकी जो प्रदक्षिणा पथ है वो काष्ठ वेदिका से पूरी शैली में निर्मित है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बारे में जो एक कहानी और सुनने को मिलती है वो मैं आपसे साझा करूँगा कि कहते हैं कि सुजाता भगवान जब अपने साधना के अनुष्ठान पर थे और इतने जिस वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पे वो साधना कर रहे थे, तो सुजाता ने जो है कुछ अपनी मनौती या कुछ मांग रखा था कि वो उसका पूरा होगा मनोरथ तो वो खीर का भोग चढ़ाएगी। तो वो जब वहाँ पे आती है और भगवान को जो है खीर अर्पित करने का प्रयास, पहले सुजाता की सहेली ने देखा भगवान को, तो वो बताती है कि एक बड़ा जीर्ण शीर्ण साधु वहाँ बैठा हुआ है। तो वो खीर को लेकर के आती है तो भगवान चूँकि अपने अनुष्ठान पे थे गौतम बुद्ध, तो वो उसे मना नहीं करते हैं, लेकिन कुछ उसको लगता है कि वो शायद उसके धर्म की वजह से या उसके जो भी सामाजिक स्थिति की वजह से या स्त्री होने के नाते जो है लेने में संकोच कर रहे हैं। तो सुजाता एक बात कहती है और वो शायद बुद्ध धर्म का एक जो थंब रूल बनता है, सुजाता कहती है कि वीणा के तार को इतना अधिक मत खींचो कि वो टूट जाए और इतना भी ढीला मत कर दो कि उसमें स्वर पैदा ना हो। और यही भगवान को समझ में आता है कि जीवन एक मध्यम मार्ग है, एक मध्य मार्ग है। मध्यम निकाय का जो उनके भीतर संदेश आता है जिसका उन्होंने पूरे बौद्ध धर्म को उपदेश दिया है, इसीलिए यह अमर है, इस स्तूप अमर है, इसकी अमर गाथा इसीलिए है कि वो खीर खिलाने वाली केवल स्त्री नहीं थी, उन्होंने जो बात कही उसने गौतम बुद्ध के हृदय में मध्यम निकाय का एक संदेश पैदा किया कि जीवन वीणा की तरह है जिसके तारों में इतना अधिक तनाव न हो कि वो टूट जाए और इतना अधिक भी ढीला न हो कि वो बज ही न सके, उनसे कोई सुर ही न पैदा हो सके। जीवन एक मध्यम निकाय की तरह है। थैंक यू सो मच।